तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मेरे नानी के घर। और जस्ट शेरा मेरे नानी के घर, लेट्स गो इनसाइड। कुकुर और बोन जवला डर पर लागे थे। इधर हमारा दो फैमिली जुड़ चुका है, एक दर्शन भैया और एक हमारा आदित्य काका। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। ला बैठे गाने में। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे जो नानी है वो भी यहाँ पर नहीं है, बागडोरा गए है। और नानी बहुत छुच्ची है, ठीक है, तो थोड़ा उनसे एकदम बच कर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो साग लगा है एकदम बढ़िया लगा है गाइस, नानी को मैं मांगूंगा साग। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये 166 रनिंग है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं अभी घर पे हूँ और इधर भांजा भी रेडी हो रहा है। और अभी हम कहाँ जाएंगे आज, आज हमारा प्लान है जाने के लिए, कहाँ पर ले जाओगे भांजा मुझे? भुटावाड़ी। तो अब लोग जाएंगे भुटावाड़ी। तो पहले स्कूटी पे पेट्रोल, ये देख रहे हैं पेट्रोल भी कम है बहुत, तो पहले पेट्रोल डाल लेते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग ने प्लान बनाया है कि हम लोग बागडोगरा पे पेट्रोल भरेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल मिलता तो है लेकिन बहुत कम मिलता है, 100 में पेट्रोल पम्प में बहुत ज़्यादा मिलता है। फाइनली बाग डुबरा पहुँच चुके हैं गाइस। तो अभी पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं और अभी पेट्रोल भर लेते हैं पहले। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस है, हद से ज़्यादा। तो उधर आगे चेकिंग हो रहा है, उसके वजह से भाई ये हेलमेट पहन लिया इसने। चलो चलते हैं अब। तो चलिए हम लोग पेट्रोल पंप भी पहुँच चुके हैं गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग ने पेट्रोल भी भर लिया, अब हम लोग निकलते हैं भुटावाड़ी की तरफ। तो आगे से चेकिंग होता है उस साइड भुटावाड़ी के रास्ते मेन रोड से, तो हम लोग इधर शॉर्टकट से जाएंगे सोचा है। ठीक है, तो चलिए ये देखो भाई हम लोग को ऐसे लीक क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और चलो गली ये तरफ। सो हम लोग प्रमोद नगर पहुंच चुके हैं, तो हम लोग बगान के रास्ते से जाएंगे। ठीक है, और देखो भाई बगान का रास्ता इतना उबड़ खाबड़, ऐसे ऑफ रोड में जा रहे हैं हम लोग। तो इस साइड का बगान पूरा छाट चुका है गाइस, देख सकते हो आप, लेकिन इस साइड का नहीं छाटा हुआ, इस साइड का पूरा हरियाली हरियाली होता ना। और यहाँ पे ठीक अंदर गाइस इस साइड फैक्ट्री भी है, ये भुटावाड़ी का फैक्ट्री है साइड से, यहाँ से आंटी लोग काम करके घर जाते हुए। और हम बगान के रास्ते रास्ते होके जा रहे हैं गाइस भुटावाड़ी की तरफ। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं भुटावाड़ी। और इधर में थोड़ा देर दुखा हुआ क्योंकि ये जो आपका ये जो रास्ता सीधा देख रहे हो, ये रास्ता सीधा जाता है बृषिनजोत। और मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ दोस्तों के साथ मिलने के लिए, दोस्तों के मतलब मेरा यहाँ पर बहुत सारे दोस्त है। और आज का हमारा ब्लॉग है भुटावाड़ी साइड, ठीक है, और दोस्त लोग भी काम पे बिजी होंगे इसी की वजह से हम आज मिलने नहीं जाएंगे। तो मेरा ये पुल पे बहुत मेमोरीज है गाइस, मैं अपने दोस्तों के साथ रात के 3-4 बजे तक यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, बैठा हुआ था, सब दोस्तों इधर ही बैठे थे, हम लोग ने इधर बॉन फायर भी जलाया था और हाथी का बहुत डर रहता है इधर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी भुटावाड़ी की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव मिस्टर भांजा। तो इधर कुछ बन रहा है मेरे हिसाब से, पूरा रिंग वगैरह बनाया हुआ है और आई थिंक इधर कुछ बनेगा मेरे हिसाब से। और जस्ट हम भुटावाड़ी ग्राउंड पहुँचने वाले हैं। तो ये रहा गाइस भुटावाड़ी ग्राउंड, मैं बहुत ज़्यादा इधर फुटबॉल खेलने आया हूँ दोस्तों के साथ, टूर्नामेंट भी इधर खेला है मैंने। तो इधर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस, देख सकते हो आप, पूरा भुटावाड़ी के रास्ते की तरफ हाईवे बन रहा है मेरे हिसाब से इधर। तो अभी हम लोग ने प्लान बनाया है, मैं और भांजा ने, हम लोग जाएंगे मेरे नानी के घर पर। ठीक है, क्योंकि यहीं पर है मेरा नानी का घर भुटावाड़ी। तो चलिए गाइस नानी लोगों से भी मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग रास्ता क्रॉस हो चुके हैं, इसको मैं यहीं पर रुको बोल रहा हूँ, ये नीचे नीचे और ले जाते जा रहे हैं भाई। अगर यहाँ पर अगर सीधा सीधा हम लोग नीचे जाते हैं तो देखो भाई रास्ता उठा ले रे बाबा, उठा ले द एंड। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं मेरे नानी के घर। और जस्ट शेरा मेरे नानी के घर, लेट्स गो इनसाइड। कुकुर और बोन जवला डर पर लागे थे। देखो कुत्ता था भाई। ए देखो वहां पर, अच्छा इसको मुर्गा के घर पे इसको बंद किया गया है। आओ जीटो, वो वहाँ पर अभी भी रेडी हो रहे भाई। मैं तो डर ही गया, अचानक भाव भाव हो गया भाई।
और भाई इधर बहुत साक लगाया गया है हमारे बोजू ने, देख सकते हो इधर। ए चुप, अरुण काका, अरुण काका, ए बहुत गुस्से वाला है, देख सकते हो यहाँ पर। चुप, देखो भाई गुस्सा इसका। और दर्शन भाई, अरे यहाँ पर हमारे दर्शन भैया। होय बोजू कहाँ छ? ए बाग्लो गयो, कोही छैन घरमा? को छ अरुण काका? ए आदित्य भाइ खै कहाँ छ? यतापट्टि छ। हेलो, चिन्या हो कि चिनेन हो? चिनेन होला छे। ठिकै छौ? कत्रो भइसकेछ हेर। खोइ बोजूहरू कहाँ हुनुहुन्छ? ए अन्त उयो सुस्मिता दलै छ सानो बोजूहरू, त्यतिकै भेट्न आएको थिएँ म त, छैन रहेछ। चिन्छ उसलाई साथी हो मेरो काका हो नि फेरि। द काकाहरू चाहिँ अरुण काका अनि अर्को काका रवि काका काम गर्दैछ। ल ल हामी पनि गएको ल, एकछिन भेट्न आएको थियो। ल बस ल हा, अनि भ्लग बनाउँदै हेर्दै गर भ्लगहरू है, सपोर्ट है, किप सपोर्टिङ ल ब्रदर। ल त बढाइरहेको छ, सब्सक्राइब गरेको छ च्यानल नाम नियो ब्लग, त मेरो हरेक फ्यामिली बढिरहेको छ यहाँ पर। ठिक है, यहाँ पर हाम्रा काका एज में मेरे से छोटे हैं, लेकिन मेरे रिश्ते से हम लोग का जो है काका पड़ता है। ठीक है, लो काकोला काका लो, इधर हमारा दो फैमिली जुड़ चुका है, एक दर्शन भैया और एक हमारा आदित्य काका। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं, लो मेरे करने भाई। सो अभी यहाँ से निकल रहे, हमारे जो नानी है वो भी यहाँ पर नहीं है, बागडोरा गए है, और नानी बहुत छुच्ची है। ठीक है, तो थोड़ा उनसे एकदम बच कर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो साग लगाया एकदम बढ़िया लगाया गाइस, नानी को मैं मांगूंगा साग। ठीक है, नानी से साग थोड़ा डिमांड करेंगे। तो चलिए, काका को भी मिलना था लेकिन अभी हम लोग को भी लेट हो रहा है। और ये भाई बहुत आरामी, अभी भी मैं जा रहा हूँ, मेरे को अभी भी भूख रहा है भाई। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो एक अच्छा सा एक ब्लॉग भी हो गया, पर क्या करें हम नानी से मिलने पाए, थोड़ा दुख भी लग रहा है। चलो हम इधर आने का एक फ़ायदा भी हो गया, मेरा दो यूट्यूब फैमिली भी और जुड़ चुके हैं मेरे से, और खुशी लगता है भाई ऐसे। देख मेरा वीडियो देखो और मेरे को सपोर्ट करो। और अभी हम यहाँ से निकल रहे, तो चलिए हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम लोग मेन रोड क्रॉस होके दूसरे साइड आए भुटावारी के। अब यहाँ से निकलते निकलते सीधा घूमते घूमते हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और ये जितना देख रहे हो आप, ये सब भुटावारी है। और हमारा जो हमारा काकी है वो, उनका भी घर इधर ही है। ठीक है भाई, पूरा भुटावारी पूरा चेंज हो गया अंदर। पहले जब आया था पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी फुल चेंज हो गया भुटावारी। हिमालयन वर्ल्ड म्यूजियम, ओ भाई ये म्यूजियम है, म्यूजियम ही दिखता नहीं है लेकिन बाहर से म्यूजियम है। हिमालयन होटल जैसा फील हो रहा है। ओके, तो इधर आगे हमें प्रीतम का दोस्त मिल रहा है। पूरा भुटावारी टूर हो गया हम लोग आज, आज का दिन। इधर प्रीतम भाई का दोस्त उस साइड बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इस साइड छोटा छोटा घर है। ठीक है, और इधर भाई साग बहुत ज्यादा है गाइस, इधर भुटावारी में साग बहुत ज्यादा है और मेरे को साग बहुत खाने का मन कर रहा है। मैं ये जगह आया हूँ शायद से, हाँ इधर इधर भी कुछ बना रहे शायद, मकई मकई है उधर, यानी कि भुट्टा, भुट्टा बारी में भुट्टा नहीं होगा तो क्या होगा, भुट्टा वगैरह के भैया। और वो जो देख रहे हो वो सीमल तरुल को बोट, ये जो सीमल तरुल का है सब, ये देखो भाई, एक ये सीमल तरुल का पेड़ है। इनको पता है कमेंट करके जरूर बताना कि सीमल तरुल को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस। एक टूर हो गया भाई, मज़ा आ गया भाई इधर आके भी। तो यहाँ से आगे डेडी ने गाइस, ठीक है भुटावारी और भी बहुत बड़ा है लेकिन मैं पूरा जगह को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करोगे तो मेरे को भी थोड़ा आइडिया होगा और आप लोग अच्छे सजेशन भी मेरे को दोगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही,
कभी खुशी कभी गम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर से हम।